हम लोग अभी हैं गुजरात के हलवद में। यहाँ जैसे मतलब आज तक जितना भी दूध पिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके साथ, मतलब सौभाग्यशाली। हम लोग अभी हैं गुजरात के हलवद में, यहाँ पे हम लोग कल गिर नस्ल की काउस देखने आते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन निकलने से पहले यहाँ गुजराती नाश्ता कर लेते हैं। जलेबी, खाखड़ा, ढोकला, फाफड़ा, मस्त चाय के साथ आज निपटाते हैं, एक नंबर। ये बन रहा है गाठिया, बेसन का है। आप तो एक ही बार में परफेक्ट बना रहे हैं भाई। इनको अच्छा लगता है क्या गर्दन पे प्यार करना ऐसा? इधर ये है ना, कितने प्यार से करवा रही है। अभी हम हैं गुजरात में, मंदिर में आए। यहाँ पे एक गिर गौशाला है, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जीवन में पहली बार इतना प्योर दूध मैं टेस्ट कर पाया। और ये दूध काश मैं आपको टेस्ट करवा पाता, ऐसा दूध आज तक अपने जीवन में नहीं पिया होगा। इतना लाइट है ये, और लगी जैसे मतलब आज तक जितना भी दूध पिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके साथ, मतलब सौभाग्यशाली है कि देसी गाय का प्योर दूध आज पीने को मिला। और जैसे ही मुँह में लगा, अलग ही स्वाद है इसका भाई, बहुत अलग है यार ये, बिल्कुल लाइट, दूध जैसा तो लग ही नहीं रहा, इतना लाइट है ये। थैंक यू भाई। ये दूध का क्वालिटी जो है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये दूध पी के अगर किसी को ब्लोटिंग हो जाए मेरा नाम बदल देना। ये दूध पी के ब्लोटिंग हो ही सकती है। आप जो दूध पी के हमको ब्लोटिंग होती है वो शहरों का HF और जर्सी मिक्स करा करा के, वो बहुत इतना हैवी मिल्क होता है वो। टुडे आई रियलाइज व्हाट रियल मिल्क इज। मुझे लगा था खाने के साथ पी नहीं पाऊंगा, बट इट इज सो लाइट, मतलब जैसे मट्ठा नहीं पीते, मतलब वो कंसिस्टेंसी का मिल्क है ये। बहुत मजा आया, धन्य आप लोग कि आप हमें आज ये दूध पीने का मौका मिला, धन्यवाद।